खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। देश में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद पंचायत चुनाव ने दस्तक दे दी है। लोग अब चुनाव के तारीखों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं, आप और हम भी इंतजार कर रहे हैं। इस बीच चुनाव को लेकर के जो भी नियम हैं, कायदे हैं, उसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैसे इस बार चुनाव में लोग ईवीएम के थ्रू वोट डालेंगे, ऐसी जानकारी है। उससे पहले कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। कुछ लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग आपराधिक छवि को लेकर के चिंतित हैं। क्या है सच, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, खबर सीमांचल को देखते रहिए। बिहार निर्वाचन आयोग ने अपने जो गाइडलाइन जारी किए हैं चुनाव लड़ने को लेकर के, वो बेहद साफ और स्पष्ट है। यानी आप पहले जिस तरह से चुनाव लड़ते थे उसी तरह से इस बार भी होगा, लेकिन शर्त यह है कि भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, यानी करप्शन जो लोग कर चुके हैं, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। आप अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट या फिर ऐसा कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको भ्रष्टाचार से पाक साफ होना पड़ेगा। उसके अलावा जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं या मानसिक जहनी परेशानी से दो चार हैं, ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इस बाबत बिहार निर्वाचन आयोग यानी बिहार राज्य चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिसे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चुनाव से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर के अपने तीसरे गाइडलाइन में ये कहा है कि वो हर एक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव को लेकर के किसी भी मामले में अयोग्य घोषित ना किए गए हों, वैसे उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं या अलग अलग पद के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो आप अगर पंचायत प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, 21 साल का उम्र हो, भ्रष्टाचार के मामले में आपका नाम ना हो, उसके अलावा मानसिक रूप से आप बीमार ना हो, उसके अलावा आप किसी भी रूप में अयोग्य घोषित ना हो। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के गाइडलाइन में और एक खास बात ये ऐड किया गया है कि सरकारी नौकरी करने वालों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी को अगर पदमुक्त किया गया है किसी अथॉरिटी की तरफ से, तो उन्हें भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। आप अगर पंचायत प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो सरकारी कर्मी हैं तो आप ये ख्वाब देखना भूल जाइए, या फिर सरकारी पद पर रहते हुए पद से हटाए गए हैं या कदाचार के मुक्त में आरोपी बनाए गए हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के ये बात बहुत चर्चा में है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा या नहीं। आज के दिन में ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर में इस बात को लेकर के काफ़ी लोग भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि चुनाव वो शख्स नहीं लड़ पाएंगे जो 6 महीने की सजा काट चुके हैं। यानी किसी भी आपराधिक मामले में 6 महीने की जो सजा काटे हैं उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा पंचायत में आप वेतनभोगी हैं या किसी लाभ के पद पर हैं तो आपको भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से अब तक जो बातें हमने आपको बताई है उसके आधार पर अब आप समझ सकते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको 21 साल की उम्र पार करना होगा, मानसिक रूप से बीमार नहीं होना पड़ेगा, किसी भी आपराधिक मामलों में आपका नाम नहीं होना चाहिए, वेतनभोगी नहीं होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, या फिर पद पर रहकर किसी मामले में आप पर कार्रवाई हुई हो तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आप जहन साफ कर लें। अब आप इस बीच ये खबर आपको सुनने को मिलेगी कि भी जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये हकीकत है और चुनाव आयोग के जो 7 गाइडलाइन है वो आपको हमने विस्तार से एक एक करके बताए हैं। आपको पसंद आए ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू।